जजों की नियुक्ति पर झगड़े को लेकर कानून मंत्री ने संसद में दिया जवाब, कहा देश की भावना के खिलाफ हो रहा काम। जजों की नियुक्ति के मसले पर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में लगातार तनातनी बनी हुई है। जहां एक तरफ सरकार को कोलेजियम की ज्यादातर सिफारिशों को ठुकरा रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट इस चिंता में जुटी हुई है। इसी बीच अब कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कोलेजियम सिस्टम को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि जब तक जजों की नियुक्ति का नया सिस्टम नहीं बनेगा, ये मसला हल नहीं हो सकता है। उन्होंने जजों की लंबित पड़े पदों को लेकर भी चिंता जताई। सांप उन्हें भी काटेगा जो इन्हें पालेगा, आतंकवाद पर हिना रब्बानी खार को एस जयशंकर की दो टूक। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद का एपिसेंटर के तौर पर देख रही है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कोरोना काल के बावजूद वैश्विक समुदाय ये नहीं भूला है कि आतंकवाद की इस बुराई की जड़ कहाँ है। एस जयशंकर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक पत्रकार द्वारा पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी के बयान से जुड़े सवाल पर ये जवाब दिया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की शुरुआत, 6 डिग्री तक पहुंचा टेम्परेचर, इन राज्यों में बढ़ी ठिठुरन। देश के लगभग सभी राज्यों में तापमान लुढ़क रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। इसके अलावा 4 से 5 दिन के दौरान मध्य भारत के कई राज्यों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। साथ ही पूर्वी भारत के राज्यों में भी तापमान में भी कमी आएगी। पठान के बेशर्म रंग गाने पर आरएसएस और वीएचपी ने जताई आपत्ति, कहा सॉन्ग का टाइटल काफी बेहुदा। पठान फिल्म के गाने बेशर्म रंग को लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन हिंदू महासभा के सिरे से नकार दिया है। सिर्फ हिंदू महासभा ही नहीं, वीर शिवाजी समूह ने भी बीते दिन आपत्ति जताई। वहीं अब हिंदू परिषद में भी विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि सभी को दीपिका पादुकोण की पहनी भगवा बिकनी पर ऑब्जेक्शन है। हिंदू विश्व परिषद ने कहा है कि हिंदू सिक्योरिटी इस तरह की फिल्म को कभी स्वीकार नहीं करेगी। लोकसभा में आज भी भारी हंगामे के आसार, कांग्रेस सांसद ने चीन पर चर्चा के लिए दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल एसएन गोरमडे ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र लोकसभा का शुरू हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस संसद में काफी बड़ा हंगामा आज फिर कर सकती है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।